तो अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी पान की लस्सी, जो बहुत ही टेस्टी होगी। इसके लिए ली है मैंने 1 कप कर्ड थिक लिए है मैंने। मैंने इसमें पानी डाल के इसे बिल्कुल भी पतला नहीं किया है। ये मैंने लिए हैं पान, यहाँ पे ये एक पान वैसे एक ग्लास के लिए काफी रहेगा। ये आपकी इच्छा के अनुसार हम इसे कम और ज्यादा कर सकते हैं, 1.5 या 2 पान अगर हम डालना चाहें। और यहाँ मैंने ली है शुगर, ये मैंने पाउडर शुगर ली है 1 टेबल स्पून। इसे हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, अगर हमें ज्यादा मीठी की पसंद हो तो ज्यादा, नहीं तो कम। और इसकी जगह नॉर्मल शुगर भी ली जा सकती है, लेकिन पाउडर शुगर क्योंकि आसानी से घुल जाती है तो मैं यही पीस के रखना और इसे यूज करना प्रेफर करती हूँ। अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी पान लस्सी, जिसके लिए मैं डाल रही हूँ इसे कर्ड, शुगर और पान के पत्ते को मैंने थोड़ा छोटे छोटे इस तरह 2 या 3 टुकड़ों में करके डाल दिया है। और अब हम इसको करते हैं एक साथ ब्लेंड। ये बहुत ही टेस्टी और हल्के ग्रीन कलर की हमारी ये लस्सी रेडी है। इसमें हम डालेंगे आइस, और आइस डाल के हम एक बार और इसे अच्छे से ब्लेंड कर। तो ये देखिए हमारी एकदम बढ़िया लाइट ग्रीन कलर की पान लस्सी बिल्कुल रेडी है। पान की छोटी छोटी पत्तियां जब लस्सी में आएंगी तो लस्सी का टेस्ट अमेजिंग आएगा। पान लस्सी खाने के बाद पीना बहुत ही मजेदार लगेगा। तो इस तरह हमारी पान लस्सी रेडी है।